हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रारास किचन। आज का रेसिपी है सूजी के साथ मीठी मटरी कैसे बनाते हैं, आज हम आपको सिखाऊंगी। पहले बनाने के लिए मैंने 200 ग्राम सूजी ली हूँ, बारीक वाला सूजी है, और ये आधा कप गेहूँ का आटा, इसमें मैं आधा कप चीनी डाल रही हूँ, पाउडर चीनी, 2 स्पून तिल, 1/2 स्पून इलायची पाउडर, 3 टेबलस्पून ऑयल। अब इसको हम अच्छे से मिलाएंगे। अब इसको हाथ से अच्छे से मिला लेंगे हम। इसकी जो गुठलियाँ है वो ना रहना है। ये देखिए ऐसा आटा गूंदना है। अगर आपको चाहिए तो तिल मैं और थोड़ा सा ऐड कर रही हूँ इसके अंदर। ये दिखने को अच्छे दिख के आता है, ये डालने से टेस्ट भी आता है। अब इसके अंदर हम ने आधा कप दूध ली हूँ, गुनगुना दूध है ये, हल्का सा गुनगुना चाहिए। पहले थोड़ा थोड़ा डाल के मिलाइए। इसमें जितना गिरेगा उतना ही यूज करना दूध, मैंने आधा कप बोली हूँ। ये देखिए एकदम थोड़े से दूध से हो गया, इसका आटा बन गया। अभी ये देखिए ऐसा आटा गूंदना है आपको, थोड़ा सा लूज ही रखना है आटे को। अब इसको हम ढक के आधा घंटे के लिए रेस्ट में छोड़ देंगे। आधे घंटे के बाद हम इसकी मीठी मठरी बनाना शुरू करेंगे। ये देखिए आटा हो गया, आधा घंटा हो गया ये। मैं इसको और थोड़ा अच्छे से मसलती हूँ, फिर इसको बनाएंगे। अब इसको हम दो हिस्से करेंगे। अब इसको हम बेलेंगे, थोड़ा सा मोटा ही बेलना है इसको। ये देखिए मैंने एक कटर ली हूँ, अगर आपके पास कटर नहीं है एक ढक्कन लीजिए कोई भी एक छोटे से डब्बी का। ये देखिए ऐसा ऐसा प्रेस कीजिए, बस हो गया कट। सारे ऐसे बना के निकाल लेने हैं। ये देखिए मैंने सारे शेप्स काटी हूँ। अब इसको हम एक स्पोक लेंगे ऐसे, ऐसे होल करेंगे हम इसके। ये देखिए जो बचा हुआ आटा है उसको हम ऐसे बना के लेंगे। अब इसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। जो बचा हुआ आटा है उसको हम
ये देखिए मैंने बना ली। मैंने कढ़ाई रख के ऑयल भी गरम कर ली। मीडियम गरम रहना है और लो फ्लेम में रखना है इसको ऑयल को। और इसके अंदर हम सारे डालेंगे। इसको लो फ्लेम में लाइट ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। इसको हम थोड़ी देर के लिए ऐसे हिलाएंगे, नहीं टूटेगा, नहीं तो एक दो मिनट के लिए छोड़ के फिर हम इसके, ये देखिए 2 मिनट के बाद हम इसको इसके हिलाएंगे। तो ऐसे ही लो फ्लेम में ही इसको फ्राई करने देंगे। ये देखिए ये अच्छे से फ्राई हो गया। अभी हम एक अब इसको टिश्यू पेपर में लेंगे, जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो पूरा ऑब्जर्व करेगा वो। लो फ्लेम में पकाने से कैसे ये फ्राई अंदर से अच्छे से पकेगा, ये कच्चा नहीं रहेगा। ये देखिए अब हम जो बचे हुए हैं मटर, अब इसको भी सारे फ्राई कर लेंगे हम ऐसे। ये देखिए मैंने सारे मटर को अच्छे से फ्राई कर लिए मैंने। अब इसको हम 5 मिनट के लिए ठंडा होने देंगे, फिर हम इसका प्लेटिंग करेंगे। ये देखिए बनके तैयार है मीठी मटरी रवे का, और एकदम ये क्रिस्पी बना है। आप जरूर ट्राई करना। अगर मेरे वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करना। आप बच्चों को बहुत पसंद आएंगे ये। थैंक यू।